ये मास्टर स्ट्रोक्स 2020 है और 2022 है और हमने 2016 में ये स्टार्ट किया था। तो वैसे तो आर्ट फील्ड में मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक्स मैंने 2016 में इसलिए स्टार्ट किया है कि लोगों के दिमाग में मास्टर नाम आते ही एक बड़ा नाम, एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट का खूब सारे मतलब काफ़ी मैच्योरिटी मतलब ये सारे चीज़ दिमाग में आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ओरिजिनल अगर कोई एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी अगर एक अपना दिमाग से कुछ बनाता है तो वो एक उसके लिए मास्टरपीस हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग हर साल मास्टर स्ट्रोक्स का एक एनुअल शो करते हैं और ये जो है कि ड्यू टू कोविड हम 2 साल तक कुछ कर नहीं पाए। कोविड के बाद जो है कि 2022 में जो है कि ये हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और इस पर कुल मिला के 35 आर्टिस्ट हैं देश के विभिन्न जगहों से, जैसे कि दलाव जी जो हिमाचल प्रदेश से है, चंबा से है और कश्मीर से है, ऐसे ही गुड़गांव, दिल्ली, कुल मिला के 35 आर्टिस्ट हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्शन में जो है कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि क्या है कि ग्रुप शो है तो हमें हर तरीका से देखना पड़ता है कि कोई भी काम किसी के साथ एक दूसरे से क्लैश ना हो जाए। तो सेलेक्शन करके फिर उसके बाद में इसकी एक एक चीज़ में मतलब हमें काम करना पड़ता है कि कैटलॉग से लेके एक टैग से लेके उसके हर चीज़ में हमें मतलब ये काम करना पड़ता है वैसे। और मतलब जो भी मतलब हमारे जो 35 कलाकार यहाँ पे हैं वो पूरी मजे हुए नामचीन कलाकार हैं। सर किसी जिन भी आर्टिस्ट को आपने यहाँ चुना है क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या मकसद रहता है उनको चुनने के लिए जो इनको एग्जीबिट किया जाए? सर जो उनकी मेन मकसद हमें ये रहता है कि एक आर्टिस्ट को प्रमोशन करना, एक आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना जो कि हर कोई आर्टिस्ट को प्रमोट करने में हिचकिचाता है। तो क्योंकि काम कैसे भी हो लेकिन वो एक आर्टिस्ट होता है, वो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ता है। तो मैं मेन हमारे एक मकसद रहता है कि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना कि सीनियर के साथ जूनियर को भी और बॉर्डिंग आर्टिस्ट को भी प्रमोट करना। बात करेंगे तो लगभग देश के सभी कोने से लोग आए हैं। मैं एक छोटा सा सवाल है कि अगर इसमें सिलेक्शन की बात आए तो आपको सबसे अद्भुत कौन सा लगा? अद्भुत का मतलब मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन। जितने भी पेंटिंग है उसमें सबसे अद्भुत आपको कौन सा लगा? सर देखिए वो तो आपने एक ऐसे क्वेश्चन कर लिया है कि मंदिर में जो है पुजारी में को जाके पूछेंगे कि इसमें से सबसे अच्छा भगवान कौन सा है, क्योंकि मेरे लिए ये एक मंदिर है और मैं एक पुजारी हूँ, मैं कला का पुजारी हूँ, तो मेरे लिए सारे एक सभी काम मेरे लिए एक ही जैसा है। जैसे अगर पुजारी को पूछेंगे कि जाए अगर गणेश जी को अगर आप पूछेंगे तो लक्ष्मी जी ये देती है, वो इस तरीका से होता है। तो ये जो है मैं एक पुजारी हूँ और ये मेरे लिए सारा एक भगवान है। तो ऐसा स्टॉक के अलावा आर्टिस्ट के लिए और क्या? मैं आर्ट के लिए काम काफ़ी सारा करता रहता हूँ। मैं वैसे NDMC का, दिल्ली गवर्नमेंट का काफ़ी सारा काम करता हूँ और मैंने जो है कि आर्टिस्ट को प्रमोशन के लिए पब्लिक स्पेस में भी मैं काम करता हूँ। पब्लिक स्पेस में मैं एग्जीबिशंस लगाता हूँ, साल में 3-4 बार पब्लिक स्पेस भी यूज़ करता हूँ गवर्नमेंट की हेल्प से, जैसे NDMC की हेल्प से, MCD के हेल्प से, दिल्ली पुलिस हो गई और भी दिल्ली टूरिज्म, इनके हेल्प से जो है कि मैं उनके हेल्प से आर्टिस्ट को मैं पब्लिक स्पेस में भी प्रमोट करता हूँ। मोहन लाल वर्मा है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में जज था, मैं अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ और शौक़ के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं, शौक़ के तौर पे पेंटिंग्स कलेक्ट करता हूँ। हमारे फादर के पास भी, ही डाइड वेरी यंग, ही डाइड एट द एज ऑफ 51 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स अगो, लेकिन उनके मित्रों में के.एस. कुलकर्णी साहब,
और वो जो बंगाली मैं नाम लिया अभी आपका आपको सरोज मुखर्जी और इस तरह के पेंटर्स के साथ उनके संबंध थे। उनका काम जो दो चार उन्होंने छोड़ा था उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लिया जी। अब हमारी डॉटर लॉ हैं, उनका नाम है जया अशोकन, शी इज़ दी इंडियन डायरेक्टर द टॉप पर्सन इन इंडिया आर्ट फेयर जो कि एनुअली ओखला में एग्जीबिशन करते हैं। बस सर ये आज जो मास्टर स्ट्रोक लगाया था जहाँ पर कई साल प्रतिभागी ने अपना हिस्सा लिया इसमें क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए ये पहली चीज़ तो ये है कि आई हैव ट्रिमेंडस एडमिरेशन फॉर पेंटर्स, ये बहुत डेडिकेशन का काम है और कंसीव करते हैं तो फिर उसको रिड्यूस करते हैं कैनवस पे डालते हैं सॉरी। और ये जो काम किया है ना किशोर जी ने बड़ी मेहनत से किया है, बड़े लगन से किया है और बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, तो अच्छा लगा आ करके यहाँ काम देखने में, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, किशोर जी ने बहुत मेहनत की है और हर काम अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है, हर काम बोलता है और आर्टिस्ट से मिलके उनके काम देख करके बहुत खुशी हुई, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जितने कलेक्शन है उसमें सबसे अद्भुत कलेक्शन आपको कौन सा लगता है? ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे काम अच्छे लगे जी। ये बायस्ड हो जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये बताना कठिन है कि कौन किसका काम सबसे अच्छा है, ये उचित नहीं होगा। इस मास्टर स्ट्रोक में एक सबसे खूबसूरत यह है कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा, हाँ उसका बड़ा अच्छा काम लगा, अनमोल नाम है उनका, किशोर के बेटे हैं और बहुत ही बढ़िया लगा। मेरा नाम प्रिया मुंगा है और मैं हिमाचल के छोटे से हिल स्टेशन डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। हिमाचल की सुंदरता लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने पेंटिंग्स के माध्यम से अपने हिमाचल कल्चर, यहाँ की सिंप्लिसिटी, सुंदरता और सादगी को अपने पेंटिंग्स के माध्यम दर्शाने की पूरी कोशिश करी है जी। मैम मास्टर स्ट्रोक 2022 में आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या लगा आपको और क्या प्रेरणा लेते हैं यहाँ से? आप पहली बार आए हैं कहीं? नहीं, मेरी पहले भी मेरी एग्जीबिशन लग चुकी है इंडियन हैबिटेट सेंटर में और यहाँ का माहौल इतना सुंदर है, जो जिस तरह से पेंटिंग्स क्यूरेट करी गई हैं इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड आई फील लाइक इवन वर्किंग हार्डर एंड इवन पेंटिंग मोर एंड मोर और सीखने की। आई कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट एंड मेरा ये मानना है हमें कभी सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। किस उम्र से आप ये? तो मेरे को तो शौक बचपन से था, तो आई स्टार्टेड माई पेंटिंग ऑन स्लेट एंड चॉक विद चॉक एंड बोर्ड एंड धीरे धीरे ये पैशन इतना बढ़ता गया कि पेंटिंग्स अपने कैनवस पर अपनी पेंटिंग्स करती हूँ। तो मैं अपने स्टेट से बहुत प्रभावित हूँ, जिस तरह से वो वहाँ का सुंदरता इतनी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि मैं अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश को, यहाँ के लोगों को अपने पेंटिंग्स के माध्यम से सारी दुनिया में यहाँ का रिच कल्चर दर्शाती रहूँ अपने पेंटिंग्स के माध्यम से और सारी दुनिया में अपनी एग्जीबिशंस लगाऊँ। तो यहाँ पर लगभग आपके अलावा कई और भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको आप किस नज़रिए देखेंगे? बहुत ही सुंदर, इतना टैलेंट है यहाँ पे, तो मैं इस टैलेंट को लेकर इतना प्रेरित हो रही हूँ कि अपना काम मैं आगे और मेहनत करने का मुझे प्रेरणा मिल रही है और बहुत इंस्पायरिंग यहाँ का माहौल है। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये फील्ड बहुत ही एक हार्डवर्किंग और एक बहुत ही पेशेंस बारीकी का काम है, तो इसको धीरे धीरे बहुत ही सादगी और इंट्रिकेसी से करना है और बहुत शिद्दत और मेहनत का काम है। इट्स लाइक तपस्या कहेंगे इसको जैसे, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कल्चर आर्ट। संजीव कुमार सिंह के नाम से भी जानते हैं, बट इस फील्ड के लिए मैं संजीव शाश्वती के नाम से काम करता हूँ। मास्टर फ्रॉम 2022 में आप जो आए हैं जी, क्या सोच है और क्या आपने यहाँ पार्टिसिपेट करने की कैसे जी? मेरी जान पहचान किशोर जी से बहुत पहले से है, तो फिर किशोर जी ने आमंत्रण दिया मुझे
और फिर इसके लिए मैंने अपने मन को तैयार किया कि इस मास्टर स्ट्रोक में मुझे पार्टिसिपेंट्स करना चाहिए। आपके पीछे एक पेंटिंग हम देख रहे हैं जो कि आपने ही बनाई है। जी जी जी, क्या सोच है आपका? सर ये पेंटिंग जो है हमारी फाइट फॉर लाइफ, ये टाइटल है हमारी पेंटिंग का। फाइट फॉर लाइफ की मतलब जो हाशिए के लोग हैं, जो समाज में सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करता है अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, तो उनके लिए ये मैं डेडिकेट किया हूँ पूरी पेंटिंग को। इसमें मैंने कई सारी बुक्स भी एलिस्ट्रेट की है और ये पेंटिंग भी मेरी इस सीरीज़ पे जारी है। ये बेसिकली रिक्शा पोलर के ऊपर है, लाइफ ऑफ रिक्शा पोलर। मैंने तकरीबन दिल्ली के अलावा तकरीबन जो है 37 मतलब सिटी में काम किया मैंने। तो सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और भविष्य की रूपरेखा क्या है? मैं मतलब बिहार से बिलोंग्स करता हूँ और जिस फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ वो किसान फैमिली है, डाउन टू अर्थ फैमिली है हमारी। और मैं मतलब जब क्लास 3-4 में भी था तो उसी टाइम से मैं इस काम को करता आ रहा हूँ, वहीं से मेरी प्रेरणा मिली है। मैं कुमुद ग्रोवर हूँ और त्रिवेणी कला संघ में बहुत बहुत साल मैंने काम किया है, अप्रॉक्सीमेटली 25 years। एंड आई एम अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट, वी हैव बीन स्कल्पटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और मेरे सब सिलेक्शंस हो चुके हैं ललित कला में भी, आईफैक्स में भी। यहाँ पर मैं बहुत, ये है, दिस इज, हाँ ये मेरी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये, जैसे हमारे भारतवर्ष का सब कुछ है, यू नो, डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग किस्म की भाषाएं हैं, अलग अलग किस्म के कल्चर हैं, उसी को लेकर के ये मैंने बनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इकट्ठे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कई वर्षों से आप जो है पेंटिंग कर रहे हैं? जी हाँ, नहीं पेंटिंग नहीं, स्कल्पचर। हाँ, तो आप अपने अभी कई सारे बच्चों को भी तैयार किया होगा, बता सकते हैं कितने बच्चे को आपने तैयार किया? देखिए ऐसे तैयार नहीं कर सकते, ये होता है, ये सब चीज़ें अंदर से होती हैं, यू नो, अगर आपके अंदर है क्रिएटिविटी तो वो उभर के आ ही जाएगी, चाहे आप कैसे भी करें। और अगर नहीं है तो आप कोशिश करते रहिए, हाँ थोड़ा बहुत आप में आ जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्रिएटिव कैन नॉट बी टॉट, इट हैज़ टू बी, यू नो, इन बॉर्न। मैम आपने अपनी ज़्यादातर उम्र इस कला को दी है? जी हाँ। कलाकार आ रहे हैं उनको कैसे देते हैं? यही मेहनत इसमें बहुत है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशली स्कल्पचर जो है उसमें बहुत मेहनत है। पहले आप क्ले में करिए, फिर आप उसका मोल्ड करिए, फिर आप वैक्स में निकालिए, फिर ब्रॉन्ज का करिए, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एटलीस्ट 3-4 months तो एक पीस को कहीं नहीं गए, कम से कम इतना लग ही जाता है। और फिर आपको आर्टिस्ट के अलावा आपको और लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, जो वर्कर्स हैं वो आपके साथ अगर तो जुड़ के रहते हैं तो आपका काम अच्छा निकलता है, और वो नहीं अगर काम ठीक से करेंगे तो आपका अच्छा भला बनाया सब काम बर्बाद हो जाता है। बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन मेरा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है आजकल, वहाँ पर उससे किया है मैंने एमए। मास्टर्स 2022 में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए मास्टर एक्सपर्ट की यहाँ पर जो हम लोग दबे हुए थे और कई आर्टिस्ट थे साथ में, तो हम अपनी कला को इसके सामने लाकर के मास्टर स्ट्रोक के द्वारा जो हमारा स्ट्रोक है उसका परिचय करवा सके हम इसमें। तो हमारा पेंटिंग मेन है स्पिरिचुअल है, जो हमारा स्ट्रोक है सारे स्पिरिचुअल स्ट्रोक है, आप कलर भी देखेंगे स्पिरिचुअल है, स्ट्रोक में स्पिरिचुअल सब्जेक्ट तो स्पिरिचुअल है ही। तो हमारे मास्टर स्ट्रोक के द्वारा मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो शास्त्र है, जो हमारे धर्म पुराण है, उसे बहुत ऐसी घटनाएँ हैं जो हम सही ढंग से नहीं जानते हैं, तो उसमें यही दर्शाने की कोशिश किया है। जो भीष्म था, भीष्म का जो सजा मिला, लोग तो समझते महाभारत में ठीक है बाण के सिया पर उन्हें सोया अर्जुन मारा ऐसे, लेकिन उसका रीजन क्या था? क्योंकि हमारे जो शास्त्र है वो कई युगों से पुराना है ना, तो इसीलिए उसको दिखाया गया कि ये बाण से सिया जो पड़ा है उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था उसका सजा इनको मिला है। तो एक सर्प था जिसको रास्ते में किसी जन्म उन्होंने उठा के कांटे में फेंक दिया था, बाण बोला तो भीष्म को सर्प ने श्राप दिया था, जिस तरह से मैं सांप के सैया पर हूँ तुम्हारा भी ऐसे ही प्राण का अंत होगा। लेकिन एक द्वेष भावना था एक दूसरे के अंदर, ईर्ष्या, जो एक दूसरे को सजा दिया, पनिशमेंट दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या है, श्री कृष्ण को भोगना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर बिच्छू रंग है, यानी गोविंद जो है उनको
वो जैसे भी हम लोग आपस में भेद भाव करते हैं तो उसका दंड श्री गोविंद को पड़ता है, जो कृष्ण को पड़ता है। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इससे पहले भी हम मास्टर शुक्र कर चुके हैं। एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे फादर भी एक अच्छे साहित्य रत्न की उपाधि मिली उनको और अच्छा साहित्यकार थे, तो जब वो अपनी हिस्ट्री बताते थे साहित्य के बारे में तो बार बार मुझे कहता मैं इसको चित्र में कैसे लाऊं, और बहुत कोशिश करता था बहुत छोटे से। बाबूजी हमारे बताते थे कि ऐसे ऐसे हुआ था, रत्नाकर के बारे में बताते थे, जो रत्नाकर थे ऐसे ऐसे बताते थे वो आर्ट का, बोले इसको हम ड्राइंग कैसे करें, तो ड्राइंग करते करते हम इसे आर्ट फील्ड में आ गए। एक्चुअली उनका कुछ और था व्यू जो हम किसी और सब्जेक्ट में जाएं, लेकिन मैं आर्ट में आ गया। एक्चुअली मेरी मदर भी म्यूजिशियन है, फादर भी साहित्यकार है, तो स्वाभाविक है ये आना ही आना।